अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों आज हम वीवो V20 का पैटर्न अनलॉक करेंगे और इसका FRP बाईपास करेंगे, वो भी बिना किसी टूल के, कोई बॉक्स और डोंगल नहीं, बगैर PC के हम जो है इसका पैटर्न और FRP अनलॉक करने वाले हैं। बहुत ही इजी है, सिर्फ 5-10 मिनट का काम है टोटल। तो ये मैंने आपके लिए बिल्कुल इजी छोटी सी वीडियो बनाई है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बंद कर लेंगे मोबाइल को, बंद करने के बाद वॉल्यूम आपको प्रेस करेंगे और पावर की दबाएंगे तो ये रिकवरी मोड में आ जाएगा। ये रिकवरी मोड में आ चुका है, यहाँ से डाटा क्लियर करेंगे। दोस्तों ये वीवो के कुछ मॉडल जो MTK के हैं, मैं ये और क्वालकॉम के ये पैटर्न नहीं मांगते, पिन पैटर्न जो है वो रिकवरी पे नहीं मांग रहे हैं। ये एंड्रॉयड 11 में है, ये एंड्रॉयड 11 की लेटेस्ट सिक्योरिटी में है। ये डाटा क्लियर कर दिया, कैशे भी क्लियर कर दिया, यहाँ से रीस्टार्ट कर लेंगे। अब यहाँ ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये जो नए मॉडल हैं ये जल्दी बूट अप हो जाते हैं। दोस्तों बहुत इजी है, ये नए मॉडल जो हैं ये बिल्कुल इजी आ गए हैं। ये एंड्रॉयड 10 से भी इजी है, ये जो एंड्रॉयड 11 है ना, इसका FRP बाईपास करना एंड्रॉयड 10 से भी इजी है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई और अच्छी अच्छी वीडियोस फ्री में आपको मिलती रहें और इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करें। तो दोस्तों ये देखें, ये मोबाइल ऑन हो चुका है, यहाँ से हम इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, एग्री कर देंगे। यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका पिन पैटर्न लगा हुआ, वो FRP लगा हुआ है, FRP भी ये वही पिन पैटर्न मांगेगा। आप एक बार पहले वीडियो को अच्छे से देख लेना, वीडियो को एक बार अच्छे से देख लिया करें, उसके बाद आप खुद ट्राई करें, आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, बहुत इजी है। कुछ लोग वीडियो के शुरू में ही देख के थोड़ा सा फिर कह देते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं है, ये फेक है, ये है वो है, तो भाइयों ऐसा ना कहा करें, पहले आप वीडियो को पूरा देख लिया करें, ये वीडियो आपके सामने प्रूफ है। हंड्रेड % वर्किंग है ये एंड्रॉयड 11 में, डू नॉट कॉपी करेंगे यहाँ पे। ये देखें जी, ये FRP मांग रहा है, ये कह रहा है कि अपना पुराने वाला पैटर्न वेरीफाई करें, लेकिन वो तो हमें याद नहीं था, इसीलिए तो रीसेट किया इसको। या वो कह रहा है कि गूगल अकाउंट लगाओ, वो भी याद नहीं है हमें, तो इसको बाईपास करेंगे। अब इसको बाईपास करने के लिए पीछे आ जाएंगे, यहाँ वाईफाई पे हमने ये जो सी आल वाईफाई नेटवर्क लिखा हुआ है यहाँ पे आएंगे, और नीचे जो ऐड न्यू वाईफाई का ऑप्शन है, ऐड न्यू नेटवर्क, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों ये जो कोने में आपको माइक नज़र आ रहा है, कोने में माइक, इसको हम प्रेस करेंगे, ये देखें, इसको हमने डिनाई कर देना है इधर,
ये फिर मांगेगा, फिर हमने इसको डिनाई कर देना है। ये परमिशन मांग रहा है, अब इसको हमने अलाउ करने के लिए इसकी सेटिंग में जाना है। अपने हमने यहाँ अलाउ पे क्लिक कर दिया, अलाउ पे क्लिक करने के बाद हमने परमिशन में जाना है। ये परमिशन में चलेगा, वो ऊपर जो सर्च का ऑप्शन है ये, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे हमने सेटिंग सर्च करानी है, सेटिंग ये देखें, सेटिंग मैंने लिख दिया इधर, ये नीचे नीचे सेटिंग पड़ी है। नीचे वाली जो सेटिंग है इसको हम ये लेफ्ट में जो ओपन का ऑप्शन है यहाँ से ओपन कर लेंगे। ये देखें जो सेटिंग हमने ओपन कर ली, ये देखें ये वीवो वी 2022 मॉडल है, 8 GB 128 GB। तो इसके बाद हमने जाना है एक्सेसिबिलिटी में, एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे, यहाँ एक्सेसिबिलिटी मेन्यू को हमने ऑन करना है। ये एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट को ये अलाउ कर देंगे, ओके कर देंगे। ये देखें ये नीचे आ चुका है ऑप्शन, राइट में नीचे ऑप्शन आ चुका है। इसके बाद हमने जाना है ऐप्स में, ऐप्स में जाने के बाद हमने ऐप्स इन्फो, इसके बाद हमने ये एंड्रॉयड सेटअप को ओपन करना है। एंड्रॉयड सेटअप को हमने फोर्स स्टॉप कर देना है, ये इधर से हमने स्टॉप कर दिया। अब हमने बैक आ जाना है, अब हमने बिल्कुल बैक आ जाना है, वापस आ जाना है। ये हम शुरू में वापस आ गए इधर, ये हेलो स्क्रीन पे आके हमने फिर से स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे एग्री कर देंगे, यहाँ पे हमने इसको फिर से पैटर्न वाली जगह पे लेके आना है। ये पैटर्न पे आ गए, अब हमने वो जो राइट साइड पे ये जो आदमी वाला निशान है इसको प्रेस किया और असिस्टेंट को, गूगल असिस्टेंट को ओपन करना है। यहाँ पे गूगल असिस्टेंट को ओपन करने के बाद ओपन सेटिंग आपने बोलना है, ओपन सेटिंग। ये देखें ये इसने ओपन सेटिंग कर दी, मैंने ओपन सेटिंग कहा तो उसने सेटिंग ओपन कर दी। अब हमने फिर से ऐप्स में जाना है, ऐप्स में सी ऑल ऐप्स, और यहाँ पर हमने एंड्रॉयड सेटअप को फिर से फोर्स क्लोज कर देना है। यहाँ पर ये स्टॉप कर दिया मैंने। यहाँ पे हमने देखना है गूगल प्ले सर्विसेज, गूगल प्ले सर्विसेज, ये गूगल प्ले सर्विसेज को भी हमने डिसेबल कर देना है इसको। ये देखिए हमने डिसेबल कर दिया, इसको डिसेबल करने के बाद हमने फिर से वापस आ जाना है, शुरू में हेलो स्क्रीन पे आ जाना है। ये हेलो स्क्रीन पे आ गए, हमने फिर से अब नेक्स्ट नेक्स्ट एग्री, यहाँ पे इसको डू नॉट कॉपी, यहाँ पे ये पैटर्न चेक करेगा लेकिन इसको ये आगे नहीं जाएगा क्योंकि गूगल प्ले सर्विसेज जो है वो हमने डिसेबल कर दी। ये देखिए ये आगे नहीं जा रहा, अभी इसके आगे नहीं जाएगा। हमने बैक आ जाना है, यहाँ पे बैक आ गए, बैक आ गए जी, फिर से अपडेट चेक करने लगे। ये बैग आ गया, ये देखें ये जी सेटअप ऑफलाइन आ चुका है यहाँ पे। ये देखें ये बाईपास हो गया, बस इतना सा काम था। ये देखें ये बाईपास हो चुका है, ये देखें यहाँ पे, ये देखें ऊपर ये प्ले सर्विसेज का जो ऑप्शन आ रहा है कि इसको इनेबल करें, यहाँ से हम इनेबल कर देंगे फिर से। ये जी काम ख़त्म हो गया दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें।